हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं बिना ग्रिड के भी हम कैसे परफेक्ट आउटलाइन बना सकते हैं। ग्रिड मेथड का यूज करके तो हम बहुत ही इजीली परफेक्ट आउटलाइन बना सकते हैं, बट जब हम फ्री हैंड आउटलाइन ट्राई करते हैं तब कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और हम लोग परफेक्ट आउटलाइन नहीं बना पाते। सो आज के इस वीडियो में हम सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। सो वीडियो का एंड तक पूरा देखना जिससे आप भी फ्री हैंड आउटलाइन बहुत ही इजीली बना पाओ। सो चलो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्री हैंड आउटलाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया एक रूलर और एक पेंसिल। मैं यहाँ पे नॉर्मल वाला पेंसिल यूज करी हूँ जो सबके पास होता है। एंड आप लोग भी अगर मेरी तरह इस ड्राइंग को बनाना चाहते हो तो इमेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर चेक कर लो। तो मैं यहाँ पे आईज से ड्राइंग मारना स्टार्ट करूंगी। आपको पेपर पर जिस साइज में ड्राइंग मारना है उस साइज में मोबाइल में फोटो को जूम कर लो एंड पेपर के साइड में रख दो। तो हमें पहले एक आईज के हाइट और विड्थ को मेजर कर लेना है। मैंने यहाँ पे बिल्कुल आईज के मिडिल पर स्केल रखकर मेजर कर लिया है एंड इसका विड्थ है 2.5 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे रेफरेंस इमेज को कितना जूम किए हो इसके ऊपर डिपेंड करता है इसका साइज क्या होने वाला है। एंड इसके बाद मैं इसके हाइट को भी मेजर कर लूंगी एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इसका हाइट है 0.7 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम पेपर पर मार्क कर लेंगे। सो ये दो डॉट्स लगाने के बाद हमें एक एरिया मिल गया है। अब इसके अंदर हम आईज ड्राइंग करेंगे। अब आपका यहाँ पे काम है रेफरेंस इमेज को अच्छे से ऑब्जर्व करना। अब आप यहाँ पे अच्छे से नोटिस करो कहाँ पे कर्व है, कहाँ पे स्ट्रेट लाइन है एंड इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करते जाओ। मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है, आप लोग देखो मैं कैसे बना रही हूँ। हमने एक आई को बना लिया है, अब सेम प्रोसेस में सेकंड आई को भी बना लेंगे। यहाँ पे एक मजे की बात है कि आपके दोनों आईज के साइज और बीच में जो गैप है उसका साइज सेम होता है। सो मतलब आपको दोनों आईज के बीच एक आई का गैप रखना पड़ता है। सो हम बीच में 2.5 सेंटीमीटर छोड़कर फिर से एक आईज बनाएंगे जिसका साइज होगा 2.5 सेंटीमीटर। सो मैं इस आई के कॉर्नर से 2.5 सेंटीमीटर मेजर कर लूंगी एंड देन फिर से उस डॉट के कॉर्नर से 2.5 सेंटीमीटर मेजर करूंगी। आप यहाँ पे देख सकते हो सुमित का फेस एकदम स्ट्रेट नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा है। तो आप यहाँ पे एक बेस लाइन बना सकते हो जिसके ऊपर आपको आईज बनाना है एंड देन इसके बाद हम आईज का हाइट भी मेजर कर लेंगे एंड पेपर पर मार्क कर लेंगे। सो देखो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे सेकंड आई का एरिया भी मिल गया। अब हम सेम वे पर इसको ऑब्जर्व करके सेकंड आई भी बना लेंगे। तो देखो गाइस कितना इजीली हमने दोनों आईज बना लिए हैं। अब हम बनाएंगे आईब्रोज। तो मैंने यहाँ पे पहले आईब्रोज का विड्थ मेजर कर लिया है। अब हम देखेंगे इसका डिस्टेंस आईज से कितना है। तो आप देख सकते हो एकदम कॉर्नर से आईज से इसका डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। इसके अकॉर्डिंग हम पेपर पर एक डॉट लगा लेंगे। देन हमने जो आईब्रोज का विड्थ मेजर किया था वो भी यहाँ पे मार्क कर लेंगे। सो आईब्रोज का एरिया भी हमें मिल गया है। अब हम इस एरिया के अंदर ही आईब्रोज ड्रॉ कर देंगे जैसे रेफरेंस इमेज पर है। फ्री हैंड आउटलाइन का मेन चीज है आपको यहाँ पे रेफरेंस इमेज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ता है। ज्यादातर बिगनर से प्रॉब्लम होती है कि वो लोग जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं तो आउटलाइन बिगड़ जाता है। आप अगर यहाँ पे बहुत ही पेशेंस के साथ मेजर करके अच्छे से करोगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट आउटलाइन बना पाओगे। सो सेम वे पर मैं यहाँ पे सेकंड आईब्रो भी बना रही हूँ। यहाँ पे भी मैं पहले आईज से इसका डिस्टेंस मेजर कर लूंगी देन उसका जो विड्थ है वो मेजर कर लूंगी। आईब्रोज आसानी से बनाने के लिए मैंने पहले उसका आउटलाइन बना लिया है देन उसके बाद धीरे धीरे उसके जो छोटे छोटे हेयर्स बना लिया है। मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा फास्ट करी हूँ बट आपको धीरे धीरे पेशेंस के साथ ये बनाना है। सो फ्रेंड्स देखो हमने दो आईज अच्छे से बना लिया है। अब हम नोज को ड्रॉ करेंगे। अब हम रेफरेंस इमेज में नोज के हाइट को मेजर कर लेंगे। इसके लिए मैंने दोनों आईब्रोज के बीच से एक लाइन बना लिया है जिससे मुझे हाइट पता चले। सो यहाँ पे नोज का हाइट है 3.9 सेंटीमीटर। तो सेम वे पर हम पेपर पर इस साइज में डॉट लगा लेंगे एंड साथ ही साथ नोज के विड्थ को मेजर करना मत भूलना। मैं यहाँ पे नोज का डायरेक्शन समझने के लिए बीच से एक लाइन लगा रही हूँ। इसका मतलब है कि इस लाइन के अकॉर्डिंग हमें नोज को ड्रॉ करना है। सो रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंग नोज के विड्थ को पॉइंट करने के बाद हम फिर से नोज ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे।
नोज अच्छे से ड्रॉ करने के बाद हम लिप्स को भी ड्रॉ करेंगे। सो इसके लिए मैं पहले मेजर कर रही हूँ नोज से उसके अपर लिप का डिस्टेंस एंड उसके लोअर लिप का डिस्टेंस। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, अपने मोबाइल में जितना जूम किया है उतना ही रखना है। वो साइज आप चेंज करोगे तो यहाँ पे मेजरमेंट की प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड आपको यहाँ पे मोबाइल में प्रॉब्लम हो तो आप प्रिंट आउट भी कर सकते हो, इससे आपको आसानी होगी। तो मैं लिप्स को भी मेजर करके यहाँ पे डॉट्स लगा रही हूँ। तो लिप्स के हाइट और विड्थ को मेजर करने के बाद हम फिर से लिप्स ड्रॉ करना यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। सो आईज नोज और लिप्स मेजर करने के बाद हम फेस का हाइट और विड्थ भी मेजर कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग फेस का आउटलाइन भी बना लेंगे। तो देखो गाइस, हमने यहाँ पे कितना इजीली फ्री हैंड आउटलाइन बना लिया है। तो शॉर्ट में बताया जाए तो आपको यहाँ पे करना है रेफरेंस इमेज को अच्छे से ऑब्जर्व। जितना अच्छे से आप ऑब्जर्व करोगे उतना अच्छा परफेक्ट आउटलाइन अब बना पाओगे। एंड साथ में आपको इस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो गाइस, ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना। एंड चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।